ईशा के हाथ से निकल रहा है खून, क्या सिकंदर का चाल हुआ कामयाब, क्या अरमान बचा पाएगा ईशा को। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। तेरे इश्क में घायल टीवी शो के अपकमिंग सीन्स काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। सीरियल में आए दिन नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। जहाँ सिकंदर मोस्ट पावरफुल बनने के लिए नई नई चालें चल रहा है, तो वहीं अब सिकंदर का प्लान कामयाब होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ईशा के हाथ से निकल रहा है खून। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अरमान बचा पाएगा ईशा को। आइए आपको दिखाते हैं ऑन लोकेशन से इस सीन की कुछ झलकियाँ। I think Ankit is better, more equipped and adept to answer this question. He's always angry, man. I'm always angry. Sikandar is always angry, and sometimes laughter as well. I'm always smiling. I don't know. But I like your character, man. It's a different character. He's enjoying himself, doing whatever he wanted. That's great. Yeah. यार मैं बिल्कुल भी ईशा को खींच के नहीं ला रहा हूँ, उसे अरमान ही लाता है। आई डोंट बिलीव इन यू नो अब्यूजिंग फीमेल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं बिल्कुल अरमान को बोलता हूँ, भैया तुम करोगे, गंदे काम मैं नहीं करूँगा। सिकंदर कुछ नहीं करता, सिकंदर सिर्फ करवाता है। अपेरेंटली बिकॉज क्या है कि जो वो महिषी भेड़िया बनने के लिए आपको एक अंगीरा लड़की की सख्त जरूरत है मेरे को, और मुझे वो श्राप को तोड़ना है, और उसकी एक ही कड़ी है, वो है ईशा 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 ईशा। वो पावर तो आपको मिल जाएगी ईशा? ईशा को पता नहीं क्या पावर, बट ऐसा कुछ ऊट पटांग हो गया उसमें, पूरे प्लान पे ही मिट्टी पलीद हो गई। एनीवे कोई बात नहीं, I'm guessing कि नहीं रहा, नहीं नहीं रहा, एक्चुअली नहीं रहा, मतलब कन्वर्जन हुआ बट प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। According to his choice, वैसा नहीं रहा, but वो हो गया apparently. हाँ, थोड़ा mixed वो है, bitter sweet ending है पूरी कहानी, slow burn. तो क्या आगे और क्या कर सकते हैं सिकंदर अपने? यार आगे मुझे लग रहा है, I think he should take a nap, he should go to sleep and you know just think about it, the next plan of action that he wants to have in life. तो अरमान बचाता नहीं है ईशा? अरमान is my गुलाम, ट्रैक में आपको पता नहीं है कि अरमान में को मैंने गुलाम बना के रखा हुआ है। ऑब्वियसली बेचारा ट्राई करता है यार, बहुत ट्राई करता है, एंड ही डज नॉट वांट ईशा टू डाई, एंड ही लव्स हर डीपली, वो सारी चीज़ें हैं। बट जो कहानी का ट्विस्ट है और जो पूरा उसका डायनामिज्म इस तरह तरीके का है कि अरमान बहुत ही मजबूर है बहुत सारी चीज़ें करने पर। फैंस को कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, and we're greatly indebted to all the love that you give us each and every day. Free Ullamakku, ready action, jaan. Nikal jana. Jaldi de free, continue. Sab de. वेलकम।
ताकत इस बात का सबूत है कि तुम्हारी बुद्धि संपन्न है। मुबारक हो। कट कट। अरे गिरो लड़की। अरे बच मैं सही है कर रहा हूँ। हाँ डिफरेंस में गिरेंगे। तुम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हो यार। अब क्या हुआ? इस सीरियल के अपकमिंग सीन्स में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सिकंदर मोस्ट पावरफुल बन जाएगा, क्या सिकंदर की चाल पूरी तरह से कामयाब हो पाएगी। इस सीरियल को लेके क्या है आपका रिएक्शन हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। टीवी सीरियल से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे फर्स्ट इंडिया टेली। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।